हे गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेट अलार्म इन वीवो वाई 33T। वीवो वाई 33T में अलार्म कैसे सेट करना है, मल्टीपल अलार्म कैसे लगाना है आपको इस फ़ोन में। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन मिल जाता है क्लॉक, ये कहीं भी मिल सकता है आपको। तो क्लॉक वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, फिर यहाँ से आपको अलार्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको ऑलरेडी दो अलार्म मिल जाते हैं, 8:30 बजे का और 9 बजे का। तो इस अलार्म पर क्लिक करना है आपको, और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाना चाहता हूँ मैं, तो सुबह 6:30 पूरा सेकेंड जो है 00 पूरा 6 बजे का। तो ओके, ये अलार्म हमारा सेट हो चुका है। बट आप इस अलार्म को किस किस दिन बजाना चाहते हैं, रिपीटेड, तो रिपीट मैं बिल्कुल संडे से लेके सैटरडे हर दिन। ओके, तो ये हमारा 7 दिन बजेगा। और इस अलार्म की आप रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बहुत सारी रिंगटोन मिल जाती हैं, आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब आपको सेकंड अलार्म लगाना है, तो सेकंड अलार्म पर क्लिक करते हैं। सेकंड अलार्म जो है 8 बजे का लगा लेते हैं, तो 8:00 पूरे 0 मिनट और ओके कर देना है। तो ये 8 बजे का अलार्म लग चुका है। फिर प्लस के आइकन पे जाना है, फिर हमें 12 बजे का अलार्म लगाना है और 12:00 तो 12 बजे का अलार्म लग चुका है। बाकी एक अलार्म लगाना है शाम के 3 बजे का, तो 3 बजे का अलार्म लगा लेते हैं। ओके, तो ये हमारा 3 बजे का अलार्म लग चुका है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल अलार्म लगा पाएंगे अपने फ़ोन में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।